और यहाँ पे चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। अभी हम शुरुआत करते हैं ये पोपटी बनाने के लिए। इस तूर दाल का भी यहाँ पे बीन्स है हमारे पास, तो ये जो हर्ब आपको दिख रहा है ये मैं अंदर डाल रहा हूँ बीन्स में। तो यही है ट्रेडिशनल वे पोपटी बनाने। हेलो ऑल, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज का हमारा जो वीडियो है जो बनने वाला है वो ट्रेडिशनल पोपटी कैसे की जाती है उसके ऊपर है। और ये पोपटी क्या होती है ये जानने के लिए ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो अभी हूँ मैं मेरे मामा के गांव में और जो है नागोटा में लोकेटेड। और मेरे पीछे जो खेत है वहाँ पे हम कुछ चीज़ चुन रहे हैं जिससे हम पोपटी बनाएंगे। उसको हम यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में वालाचा शेंगा बोलते, वाल बोलते हैं इसको। तो वालाचा शेंगा जो अभी बीन्स है फ्लैट बीन्स, वो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं चुनने का। पोपटी का जो शुरुआत होता है वो फ्लैट बीन्स चुनने से होता है, और उसके बाद बाकी का प्रोसीजर मैं आगे बताऊंगा कैसे क्या करना होता है। तो फिलहाल हमारा काम है अभी ये फ्लैट बीन्स चुनने का चल रहा है। चलो मैं भी कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। ऐसे बीन्स होती है उसको हमको चुनना पड़ता है कैसे क्वालिटी है, मतलब उसके जो अंदर फ्लैट बीन होता है वो प्रॉपर होना चाहिए थोड़ा सा, तो फिर खाने में मज़ा आता है। तो गाइस अभी हम लोग ये बीन्स अभी चुन रहे हैं और अभी चल रहा है फरवरी का मंथ, मतलब इस मंथ में ऑलमोस्ट ये पूरा ख़त्म हो जाता है। जो फ्लैट बीन्स है या फिर ये जो वाल है, इनको राइस का सीज़न जब ख़त्म होता है, राइस की कटाई होने के बाद इमिजिएटली इनको बोया जाता है। बीन्स हमने चुन ली है, ये तूर की है, तूर की बीन्स है और ये फ्लैट बीन्स है। तो हम पोपटी में ये दोनों भी बीन्स का यूज़ करेंगे। हम जो बीन्स है वो हम अभी घर पे जाके धोएंगे और उसके बाद हम फिर से यहाँ पे ही आएंगे और बाकी का प्रोसीजर पूरा यहाँ पे ही करेंगे। थोड़ा शाम होगी, थोड़ा अंधेरा होगा तो और मज़ा आएगा। तो चलो फिलहाल घर पर जाते हैं और उसके बाद बाकी का वीडियो आके फिर से यहाँ पर ही शूट करेंगे। तो चलो आगे का प्रोसीजर आप मिस मत करना। अभी फिलहाल धो के अभी रिटर्न आया पूरा जो मटेरियल साथ में लेके, फिर से वही खेत में जा रहे हैं हम लोग। और फिलहाल तो दोनों हैं और कुछ लोग आ रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरा सब साथ में है सामान, क्या क्या चीज़ हम पोपटी में यूज़ करने वाले हैं सब बताऊंगा। पहले तो जगह पे पहुंच लेते हैं। चुके हैं खेत में और पूरा सेटअप अभी हम कर रहे हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि ये हम लोग क्या क्या यूज़ करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दो पोपटी तो यहाँ पे हो चुका है हमारा, तो आज वीडियो के लिए मैं अलग से आज कर रहा हूँ आपके लिए। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो
तो गाइज अभी हम शुरुआत करते हैं ये पोपटी बनाने के लिए। इसके लिए अगर आप ट्रेडिशनल वे से कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए आपको मटका होना चाहिए आपके पास। अभी तो रिसेंटली कुछ लोग अभी डिब्बे में भी करते हैं या फिर कुकर पे भी करते हैं, बट ट्रेडिशनल वे तो मटके में ही है। और उसके साथ जैसे हमने बीन्स जो चुनी थी पहले, इसके पहले हम खेत पे आए थे तो हमने बीन्स चुनी थी, तो इम्पॉर्टेंट है ये फ्लैट बीन्स। तो ये मेन इन्ग्रीडियंट, इनके साथ अपने को लगेगा नमक, ये जो रॉ नमक होता है, जाड़ा नमक बोलते हैं हम, तो वो लगने वाला है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप इसके साथ चिकन भी डाल सकते हो। तो हमने चिकन भी लाया है, मैरिनेट करके रखा था 1.5-2 घंटा मैंने उसको। तो नमक, मिर्ची और हल्दी के साथ थोड़ा सा दही भी लगाया, तो मैरिनेशन हो चुका है 1.5 घंटा, तो ये भी है। इसके साथ हम अगर डालना है आपको तो आप अंडा या फिर आलू भी डाल सकते हो। अगर वेजिटेरियन है तो आलू या फिर बीन्स होती है अलग अलग, वो भी डाल के आप बना सकते हो। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं ये बनाने का, कैसे करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मेरे साथ अभी शशि है, शशि आप पाला देना। तो पोपटी को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो भामरूड बोलते हैं इसको, लोकल हर्ब है, तो खेतों में यहाँ पे बहुत उगता है, तो ये लोकल हर्ब यूज़ करेंगे। तो गाइस अभी हम शुरुआत करते हैं ये जो पोपटी का मतलब मटका जो है तैयार करने का। तो ये जो हर्ब आपको दिख रहा है ये अभी अंदर डाल रहा हूँ बेस में। इसका स्मेल बहुत अच्छा आता है, तो ये मैं पूरा इसके अंदर डाल रहा हूँ। थोड़ा ज़्यादा बड़ा बेस लगाऊंगा, इसका एक पूरा लेयर लग चुका है। इसके ऊपर अभी मैं डालने वाला हूँ नमक। ये देखिए ये नमक है, रॉ सॉल्ट होता है अपना। अनिकेत तेजत कसे कसे आहेत रे शेंगा या वालाचे आहेत आणि ये कुछ तूर का भी है, तूर दाल जो होती है ना, तूर दाल ही चलता ना, तो ये तूर दाल का भी यहाँ पे बीन्स है हमारे पास, तो वो भी हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा नमक का और एक लेयर डाल दिए, तब इसके बाद हम लोग फिर से इन पत्तों का लेयर लगाएंगे। तो गाइज अभी हम डाल रहे हैं इसमें चिकन, जो मैरिनेटेड चिकन है, तो हम लोग अभी उसका लेयर लगा रहे हैं पूरा एक तक। तो इसमें कोई ऑयल ऑयल हम नहीं डालने वाले, जो भी होगा पूरा स्टीम पे होने वाला है, इसके अंदर जो कुछ भी वाटर वेपर बनेगा तो उसके ऊपर ही पूरा होगा।
चीज अभी पूरा पैक कर लिया है, अभी हम इसको झोंकेंगे आग के हवाले। वो कैसे करना है मैं आगे दिखाता हूँ। हमने अभी घास रख दी है यहाँ पे और इसके ऊपर मैं उल्टा कर रहा हूँ ये मटके को। अभी ये मटका हमने उल्टा करके रख दिया है, वो एक दो लकड़ियाँ लगाएंगे हम लोग इकड़े एक दो नहीं तो हटे। और इसके ऊपर हम डालेंगे घास। तो गाइस अभी होली वाला फील आया ना आपको, तो चलो अभी इसको जलाते हैं। तो गाइस अपनी ये पोपटी की शुरुआत हो चुकी है और अपना पोपटी जो चल रहा है तो यही है ट्रेडिशनल वे पोपटी बनाने का। गाइस हमारा ये पोपटी का जो प्रोसेस है स्टार्ट हो गया है और इसको अराउंड 20 मिनट्स तक हम आग पे रखेंगे। तो गाइस अपनी पोपटी रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस हमारी ये जो चिकन पोपटी है वो रेडी हो चुकी है और पूरी तरीके से पक गया है। मतलब ये जो बीन्स थे या फिर ये चिकन है जो पूरी तरीके से पक गया और बहुत टेस्टी लग रहा है यार खाने के लिए। गाइस आप लोग अभी ये एंजॉय कर रहे हैं ये चिकन पोपटी और यहाँ पे है चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। जो हर्ब का स्मेल आ रहा है इसमें वो बहुत सही है। तो गाइस हम लोग अभी ये पोपटी इंजॉय करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।